एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये आपके टेक्स्ट बुक का एससीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जांपल नंबर 12 है। ये क्वेश्चन है 10 इनवर्स ऑफ ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स बाई बी कॉस ऑफ एक्स प्लस ए साइन ऑफ एक्स को सरल कीजिए। यदि a बाई बी टेन ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस वन, ये कंडीशन रखा है। इस कंडीशन के लिए इसको सरल करना है, तो चलिए बच्चों इसको सरल करते हैं। ये हमको व्यंजक जो दिया है वो है 10 इनवर्स ऑफ ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स बाई बी कॉस ऑफ एक्स प्लस ए साइन ऑफ एक्स। अब हमारा कोशिश क्या होना चाहिए बच्चों, सरलतम रूप में लाने के लिए? तो पहले हम ये 10 में कैसे चेंज हो ये हमको ध्यान पे रखना है बच्चों। तो देखिए यदि हम इसके अंश और हर में b cos x से भाग लगा दिया है, b इंटू cos x से भाग लगाते हैं, तो इसका रूप देखिए, ये हमको तय करना है किससे भाग लगा। जैसे मैं b cos x से भाग लगाते हैं, इसका रूप देखिए बच्चों क्या हो जाता है, a cos x माइनस b sin x बाई बी कॉस एक्स, और हर में भी यही काम करते हैं, बी कॉस ऑफ एक्स प्लस ए साइन ऑफ एक्स बाई बी कॉस ऑफ एक्स। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस एक्स बाई बी कॉस एक्स दैट इज ए बाई बी प्लस बी साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स, बी कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स। यही बात हम नीचे करेंगे, बी कॉस एक्स बाई बी कॉस एक्स दैट इज वन प्लस ए साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स यानी ए बाई बी टेन एक्स, ए बाई बी टेन एक्स। अब इसको समझिए आप बच्चों, क्या दिख रहा है यहां पर, क्या लग रहा है, टेन इनवर्स ऑफ, सॉरी यहां माइनस है, ये माइनस है, करेक्ट कर लेते इसको, ये माइनस है और ये माइनस है और नीचे प्लस है, प्लस है। अब यदि हम एक फार्मूला देखें उस रूप में हमें नजर आ रहा है, ये देखिए ये फार्मूला है 10 इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो इस रूप में लिखा जा सकता है इस व्यंजक को, तो चलिए हम इस व्यंजक को इस रूप में लिखते हैं। तो इसका रूप क्या हो जाएगा बच्चों, ये x है और ये y है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस 10 इनवर्स ऑफ 10x। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब ये हो गया 10 इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस, इसमें लगा दिया सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, स्वयं समंजक गुण, तो ये बच गया x।
लेकिन बच्चों ये जो फार्मूला है, मतलब इसका जो सरलतम रूप आया, जो व्यंजक दिया है उसका सरलतम रूप ही आया, लेकिन ये फार्मूला आपने अप्लाई किया तो आपने इसके शर्त को भी x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन, ये ध्यान रखने बच्चों, इस कंडीशन पे x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन होता है। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लगाते हैं। ठीक है, ये चाहे तो लिख सकते हैं, परंतु क्या होना चाहिए, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब x कौन सा है और y कौन सा है, टेन इनवर्स ऑफ a बाई बी यानि ये है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल जो है ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, इसमें ये x है और ये y है, तो इन दोनों का गुणनफल माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए, परंतु a बाई बी इंटू टेन ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये शर्त का पालन हो रहा है, ये शर्त ठीक है, a बाई बी इंटू टेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए ठीक है ये हमारा जो है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकेंगे, देयरफॉर टेन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin ऑफ x by b cos ऑफ x प्लस a sin ऑफ x का सरलतम रूप टेन इनवर्स a by b माइनस x। तो इस प्रकार से हम दिए गए शर्त का पालन करते हुए इसका सरलतम रूप लिख सकते हैं।